देखिए, इससे पहले भी तो इलेक्शन हुआ। हाँ। एमपी सिर्फ इलेक्शन के टाइम में ही उठाते हैं। बॉर्डर किसके हाथ में रहता है? केंद्र है। तो 10 साल से कौन है? बीजेपी है, अमित शाह है। तो क्या कर रहे हैं, उनको देखना है? ये सब खाली का झूठ का एक और प्रोपगंडा है और कुछ नहीं है। इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं बोलने का, डाटा लेके। आप पूछिए ना उनसे कि आप 2 साल से आवास का पैसा रोक रखे हैं वो दीजिए, 15 फिनांस का पैसा रोक रखे हैं वो दीजिए, रॉयल्टी का पैसा 1,36,000 करोड़ रुपया रोक रखे हैं वो दीजिए, उसके बारे में रॉयल्टी कोयला का देगा ना? 10 साल से रॉयल्टी जो वहाँ जमा हुआ है वो मांग रहे हैं हम लोग। अब ठीक है, जमीन का मत दिए, रॉयल्टी दे दीजिए। भानू प्रताप शाही जो सीएम को लेकर बयान दिए हैं कि गट्टा पकड़ के जो कुर्सी से हटा देंगे, इसको किसके क्या? देखिए, सबका अपना अपना जो पारिवारिक जिसका पृष्ठभूमि रहता है उस तरह वो बोलते हैं, ठीक है। सबके जमान से उस तरह नहीं निकलता। लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री के लिए ऐसा बोला, उसका जवाब अबरी वो बौखला गए हैं, ठीक है। उसको जवाब जनता देगी और हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं। अभी 21 साल से 50 साल का जो महिलाओं का है उसको हम लोग सम्मान राशि दे रहे हैं, नियुक्तियाँ दे रहे हैं। ये सब में बात कीजिए ना, काम का बात कीजिए। ये सब लन फन बोलने से आजकल वोट देने वाला नहीं है। काम कर कीजिएगा तब, और हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले वो भी सत्ता में रहे हैं, तो वो अपना रिकॉर्ड उठा के देखें कि क्या मानसून सत्र कै दिन का वो आहूत किए हैं। वो 1 महीना किए हैं बताइए, वही वो भी 5 दिन का 6 दिन का किए हैं, वो भी हम लोग भी किए हैं। तो आप टीट फॉर टैट कर रहे हैं, मतलब टीट ने वही होता ही है, टीट फॉर टैट। मैंने एक जो आप लोग दे रहे हैं, हाँ, उस नियुक्ति को लेकर पीठ आपको खपा रहे हैं। आधा नियुक्ति यूपी बिहार असम केरला सब लोग लाके लिख बंगाल से लोग आके करते हैं, कल जो दिए हैं ना, हाँ, उसमें आधा तो अच्छा। अच्छा, नियुक्ति नहीं दे उसमें सवाल, अगर दें तो उसमें सवाल, और उसमें और तो दिए नहीं, और तो दिए हम वहाँ। अगर 500 या 1,000 का किए तो 50 गो बाहर का है, सब तो झारखंड का ही है, इतने है सब। आप लोग मैंने कहीं न कहीं कुछ न कुछ खोज निकालते, खोज मत निकालिए। काम हम लोग हो रहा है, बीजेपी परेशान है, वो सोच रहा है महाराष्ट्र के साथ कराएं, हरियाणा के साथ कराएं, न कराएं, ये करें वो। हम लोग माननीय हेमंत बाबू बोले ना कि कल इलेक्शन कराइए, परसों हराएंगे। इतना तैयारी हम लोग काम किए हैं भैया। तैयारी खाली अमित शाह और सबका खाली मीटिंग हम लोग टेंट में नहीं किए, हम लोग फील्ड में काम किए हैं। जाके देखिए, अब वो आवास दिए हैं, जब आप नहीं दिए सवाल तो उससे होगा कि अगर जल्दी कराता है वो इलेक्शन तो हम लोग बोलेंगे मेरा कार्यकाल 1.5 महीना का कम कर दिया। अपना कार्यकाल 22 अक्टूबर में पिछला लगा था, उसको ले गया 6 नवंबर तक, और मेरा वाला घटा रहा, तो जनता देगी जवाब उसका।